नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, आज बात करेंगे आईटीआई सेकेंड ईयर और ट्रेड थ्योरी यानी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की बात करेंगे। आज जिन बच्चों का एग्जाम है वो इस पेपर का एनालिसिस करके जरूर जाइए। इससे पहले हमने एक क्लास और ट्रेड थ्योरी की अवेलेबल कराई थी जिसमें 50 क्वेश्चन और थे, तो इन 50 क्वेश्चन ईयर 50 क्वेश्चन पहले के 100 क्वेश्चन पूरे हैं। ये 100 क्वेश्चन देखे जाओ, ट्रेड थ्योरी में आपके 99% पास होने के चांसेज है, क्योंकि ये क्वेश्चन है ये आपके 16 तारीख से लेके 19 तारीख के बीच में यानी 3 दिनों के लगभग 9 शिफ्टों के पेपर है और पूरे क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। तो आप 10-12 मिनट का वक्त निकाल के इन पेपरों का एनालिसिस करके जरूर जाना। शायद दोस्तों, अगर आपको इन पेपरों की पीडीएफ फाइल चाहिए तो भी डिस्क्रिप्शन जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर लिंक दिया है। अगर वहाँ पर ज्वाइन नहीं हो रहा है तो आप ITI CBT एग्जाम पेपर के नाम से सर्च करके भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको ये पेपर अवेलेबल कर दिए जाएंगे। साथ ही वहाँ पर काफ़ी आपको नेम इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज या अन्य पेपर मिल जाएंगे। साथ ही वहाँ पर काफ़ी बच्चे हैं जो रोज़ एग्जाम दे के आते हैं, फिर आपस में क्वेश्चन शेयर करते हैं, जिससे आपको जैसे वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस या इम्प्लॉयड स्किल इसमें भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ज़्यादा वक्त खराब नहीं करें, स्टार्ट करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन क्या, आज 50 पहले मैंने करा दी थी, आज क्या उनसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है एसी कोयल वाइंडिंग का नाम बताओ। तो दोस्तों, ये डायग्राम में जो दिखाया गया है कौन सी वाइंडिंग है, तो दोस्तों ये आपकी पूरे कुंडल वाइंडिंग है। अगला क्वेश्चन है वाइंडिंग का नाम क्या है, तो बताओ दोस्तों इस वाइंडिंग का क्या नाम है, तो दोस्तों ये आपकी तिरछी वाइंडिंग है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है, तो बताओ दोस्तों सिंगल फेज मोटर जो चित्र में दर्शाएगी इस मोटर का नाम क्या है, तो इसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इसे बोलते हैं हम स्थायी संधारित्र मोटर यानी स्थायी कैपेसिटर मोटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन है हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्लांट की योजना बंद व्यवस्था के घटक में अक्ष का नाम बताइए, यानी दोस्तों इस अक्ष भाग का क्या नाम है, दोस्तों इसका नाम है सर्ज टैंक। क्या नाम है, सर्ज टैंक इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि क्या है, तो दोस्तों ये आपका जो डायग्राम दर्शाया गया यानी आपका ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आर्मेचर है और ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है, तो ये हो गई दोस्तों आर्मेचर डायवर्टर विधि। तो इस प्रकार का डायग्राम होगा, तो आप इसको अच्छे से क्लियर कर लेना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक साधारण इन्वर्टर में महत्वपूर्ण चरण क्या है, दोस्तों उसमें होते हैं आपके दोलन, एम्पलीफायर और ट्रांसफॉर्मर उत्पादन चरण। अगला क्वेश्चन है आवर्ती कन्वर्टर कौन सा है, तो दोस्तों आवर्ती कन्वर्टर होता है वो होता है दोस्तों साइक्लो कन्वर्टर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है सौर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों सौर सेल में हमेशा सिलिकॉन यूज में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है डीसी जनरेटर का नाम क्या है, तो बताओ दोस्तों इस जनरेटर का क्या नाम है, तो दोस्तों ये आपका लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, यानी आपका डायग्राम दिया हुआ था तो इसका नाम पूछा, तो इसका नाम है लॉन्ग शंट कंपाउंड। अगला क्वेश्चन है एकल चरण मोटर किस प्रकार निर्देशित है, तो दोस्तों एकल यानी आपको डायग्राम दर्शाया गया है जिसमें दो कैपेसिटर लगाए हुए हैं मोटर में, तो वो मोटर आपकी कैपेसिटर कैपेसिटर मोटर होगी। ठीक है, क्वेश्चन देख लेना आप, यहाँ पर चित्र नहीं दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन है IE नियमों के अनुसार गैलो वायरिंग में उप सर्किट को चलाने के लिए अनुमेय भार क्या होना चाहिए, तो दोस्तों ये उप सर्किट पूछ रहा है यानी लाइटिंग पर पूछ रहा है, तो वहाँ पर 800 वाट आएगा, इसका राइट आंसर क्या आएगा 800। अगर आपको पावर पूछे तो पावर के लिए आ जाएंगे आपके 3000 वाट, अगर पॉइंटों की पाँच करूँ तो लाइटिंग पूछे तो 10 पॉइंट आएंगे और पावर में पूछे तो आपके 2 पॉइंट आएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक सक्रिय घटक कौन सा है, तो दोस्तों वो होगा आपका संधारित्र। अगला क्वेश्चन है डीसी ड्राइव में विशेषता वक्र का नाम क्या है, तो बताओ दोस्तों इसका नाम क्या है, तो दोस्तों ये आपका गति बनाम बलागुण विशेषता है, तो इस प्रकार का कुछ चित्र बनाया हुआ आएगा तो इसका नाम पूछेगा, तो इसका नाम आएगा गति बनाम बलागुण विशेषता। ये किसी बच्चे ने क्वेश्चन लिखा आया था लिख के, तो इस प्रकार ये डायग्राम दर्शाया, तो हम आपका इस प्रकार क्लियर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों वो होती है आपकी रोल्ड स्टील। क्या होती है, रोल्ड स्टील। अगला क्वेश्चन है डीसी सेंटर मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधि प्रदान की जाती है, तो दोस्तों वो होती है आपकी आर्मेचर नियंत्रण विधि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है, दोस्तों वो होती है आपकी फ्लेमिंग के बाएँ हाथ का नियम। अगला क्वेश्चन है संपर्क का नाम क्या है जिसमें अक्ष के रूप में दर्शा गया है, तो बताओ दोस्तों इसका नाम क्या आएगा, दोस्तों इसका नाम यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा है, मैंने आंसर भी नहीं उतारा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, मैं वापस आगे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, श्योरी एक क्वेश्चन रह गया, बाद में लास्ट में अगली क्लास में जरूर क्लियर कर दूंगा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है, कन्वर्टर का नाम क्या है, तो बताओ दोस्तों यहाँ पर 6 डायोड लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये कौन सा है, तो सिलिकॉन नियंत्रण दृष्टकारी है, यानी दोस्तों ये क्या आपका 3 फेज रेक्टिफायर है, क्या है, 3 फेज रेक्टिफायर है, जो ऑप्शन में इसका राइट आंसर होगा सिलिकॉन नियंत्रित दृष्टकारी। अगला क्वेश्चन है, शीतलन के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग में अधिक जगह है, तो दोस्तों शीतलन के लिए ओवर हैंगिंग कोयल और योक के बीच। अगला क्वेश्चन है, यदि कोयल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है, तो दोस्तों वो हो गया आपकी शॉर्ट कोइल्ड वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है, सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग क्या है, तो दोस्तों भोजन मिक्सर के लिए हम सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल मोटर यूज में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है अल्टरनेटर के ईएमएफ समीकरण की गणना करने का सूत्र क्या है, तो दोस्तों ईएमएफ समीकरण की गणना करने का सूत्र आएगा ई बराबर 4.44 के डी और के सी और एफ, ये आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण लोड पर 10 एचपी 3 कला पेयर मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या होगी, तो दोस्तों वो होगी आपकी 25 एमपी, यानी फुल लोड करने क्या होगा 1.5 का वर्ग होता है, तो इसका हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा 25 एमपी। अगला क्वेश्चन है, अक्ष द्वारा चिन्हित डिवाइस का नाम बताओ, तो बताओ दोस्तों इस डिवाइस का नाम क्या है, तो इस डिवाइस का नाम आएगा दोस्तों आपका सहायक संपर्क, क्या आएगा सहायक संपर्क। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन है कंडक्टर सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में एक सामग्री तय करने के लिए मापदंड क्या है, तो दोस्तों वो होगा आपका परमाणु में वेलेंस इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व है। अगला क्वेश्चन है, 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लेप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं, तो दोस्तों ये लेप पूछ रहा है, तो इसमें आपको 4 पोल दे रहे हैं, तो इसके दुगने क्या हो जाएगी, इसके समांतर पथ यानी 8 हो गए, अगर आपको वे पूछता तो 4 के बराबर 4 ही होती, यानी ए बराबर पी उसमें होते हैं, या जितने पोल होते हैं उतने समांतर पथ होते हैं, किसमें वे में, यहाँ पर लेप पूछ रहा है, तो लेप में क्या हो जाते हैं, दुगने हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रियल फ्रिक्वेंसी क्या है, तो दोस्तों वो होता है आपका 2 फिन। अगला क्वेश्चन है, PWM का पूर्ण रूप क्या है, तो दोस्तों ये हो गया आपका पल्स विथ मॉडुलेशन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन है, IE नियमों के अनुसार EI मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेंस में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होता है, तो दोस्तों वो होता है 1 मेगा ओम से अधिक। अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है, तो दोस्तों वो होता है आपका बाहरी ग्राउलर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो अल्टरनेटरों के समांतर संचालन के डार्क लैंप विधि में लैंप किस स्थिति में बुझ जाते हैं, तो दोस्तों वो होगा आपका वोल्टेज और आवृत्ति बराबर हो तब बुझ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है, तो दोस्तों वो होगा आपका लेंज का नियम। अगला क्वेश्चन है, पेच का उपयोग करने के पेच का उपयोग किए बिना पैनल बोर्ड में MCB OLR को माउंट करने के लिए किस सामग्री का उपयोग हो जाता है, तो दोस्तों वो होता है आपका ड्रेन रेल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन है, कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एक्सेसरीज का नाम क्या है, तो दोस्तों वो आएगा आपका ड्रेन रेल। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक बिजली उत्पादन पर गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का नुकसान क्या है, दोस्तों वो हो गया आपका बेस लोड डिमांड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ये याद करके जाना अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के एसी सिग्नल उत्पादन करता है, तो दोस्तों वो होता है आपका दोलन सर्किट, क्या होता है दोलन सर्किट। अगला क्वेश्चन है, आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों वो होता है आपका केल्विन ब्रिज, क्या होता है केल्विन ब्रिज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता है, तो किसके लिए, वोल्टेज का निर्माण करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, एसी इंडक्शन मोटर में बलागुण और स्लिप के बीच क्या संबंध है, तो दोस्तों वो होती है स्लिप बदलने से बलागुण बढ़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीसी मैग्नेटाइजिंग प्रभाव की भरपाई कैसे करें, तो दोस्तों वो होता है आपका फील्ड उत्तेजना विधि में वृद्धि करके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले नियंत्रण ट्रांसफॉर्मर का उद्देश्य क्या है, दोस्तों वो होगा आपका सहायक सर्किट में बिजली की आपूर्ति करने के लिए।
अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वो होता है आपका सिलिकॉन। क्या होता है? सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, किस एकल कला की मोटर में टेप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्यरत है? तो दोस्तों वो होती है आपकी यूनिवर्सल मोटर। अगला क्वेश्चन है, तीन फेज प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है? तो दोस्तों वो होती है आपकी चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाती हुई। अगला क्वेश्चन है, कोयल की औसत परिधि की गणना करने का सूत्र क्या होगा? दोस्तों उसका सूत्र ये होगा, ठीक है, लेन बराबर लेन प्लस लोट बटा दो और सी एम। अगला है, ओवरहेड लाइन संयुक्त प्रकार, संयुक्त का प्रकार क्या है? दोस्तों आपको इसका, इस डायग्राम का नाम पूछ रहा है, ठीक है, तो इस डायग्राम का नाम क्या है? तो इसका नाम आ गया दोस्तों ए सी एस आर के लिए संयुक्त स्पीड, यानी एल्यूमिनियम कंडक्टर, हाँ एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर। अगला क्वेश्चन है, यदि ISI के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 है तो न्यूनतम अनुमेय एकल चरण कार्यगत वोल्टेज क्या होगा? तो दोस्तों वो होगा 228, यानी प्लस माइनस 5% कम पूछ रहा है, तो इसमें न्यूनतम पूछ रहा है, तो प्लस माइनस 5% कम किया तो वो 12 कम हो गया, तो 240 में 12 गए तो 28 बच गए। अगर आपको यहाँ पर अधिकतम पूछे तो इसमें बढ़ा देना तो वो 252 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ड्राइव सिस्टम में किस प्रकार की संवेदन इकाई कार्यरत है? तो वो गति संवेदन है। अगला क्वेश्चन है, एसी और डीसी मोटर में गति नियंत्रण के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली बहुत कम बिजली की खपत करती है? तो वो आएगी दोस्तों ड्राइव नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है, परिपथ में अक्ष अंकित डिवाइस का नाम क्या है? तो दोस्तों ये अक्ष अंकित डिवाइस का नाम है आपका ओवरलोड रिले ट्रिप। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, आप क्लियर हो चुका है, ठीक है, पहले क्यों आंसर नहीं मिला था इसका। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में भाग का नाम क्या है? तो दोस्तों ये आपका मुख्य ध्रुवीय रोटर है, यानी आपका सेंडेड पोल रोटर आ गया, आपका बिनाकार रोटर बड़ा था, ये छोटा गया। अगला क्वेश्चन है, लाइन इंस्ट्रूटर का नाम क्या है? तो बताओ दोस्तों इसका नाम क्या है? तो ये दोस्तों नेलमन प्रकार का इंस्ट्रूटर, यानी आपका सस्पेंस इंसुलेटर है। तो ये आपके पूरे क्वेश्चन के लिए हो चुके हैं, इससे पहले क्लास होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना। तो थैंक यू दोस्तों, बिगली बस इतना।